नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो मेरा आसमान में। दिल्ली पुलिस की वर्दी में एक रौबदार और दमदार आदमी, क्या आप उनसे ये उम्मीद भी लगा सकते हैं कि वो एक शायर भी हो सकते हैं? जी हाँ, आज हमारे साथ हमारे शो में एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जो दिल्ली पुलिस में SHO की पोस्ट पर कार्यरत भी हैं और इसके साथ ही एक बेहतरीन शायर भी हैं, जिन्होंने COVID-19 में काफ़ी सराहनीय काम किए और दिल्ली पुलिस में अच्छे SHO में उनकी गिनती होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोहेब फारूकी जी की। सोहेब जी, सर आपका सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। और सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि आप एक पुलिस वाले हैं और शायरी भी करते हैं। शायरी बेसिकली सॉफ्ट हार्टेड लोग करते हैं और पुलिस वालों को सख्त कहा जाता है, तो ये दोनों चीजें कैसे पॉसिबल हो पाई? सर बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 14 के दर्शकों को मुझसे मिलवाने के लिए, और ये मेरा बहुत खुशकिस्मती है। बाकी जिंदगी एक उर्दू लफ्ज है, तजाद का नाम है, जो प्रकृति है विरोधाभास के बीच में है, तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। कठोर के बाद मुलायम होता है, मुलायम के बाद कठोर होता है, और पुलिस को लोग पसंद करते हैं। हालांकि नॉर्मल लाइफ में जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो जो कठोर चीज है वो हमेशा कठोर लगती है। बाकी शुक्रिया सर, आगे बढ़ाइए। सर अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए अलग अलग धाराएं हैं आपकी व्यक्तित्व की, एक तरफ आप फील्ड में एक बोल्ड अंदाज में नजर आते हैं, दूसरी तरफ आप शायरी भी करते हैं, अगर इनको मैनेज करने की बात हो तो आप किस तरह से इन दोनों को मैनेज कर पाते हैं? सर कि सभी के दिल में बसा हूं खराब होते हुए, चमन को ढूंढ रहा हूं गुलाब होते हुए, ये मेरा परिचयात्मक शेर है। कि फिर वो ये कि निदा फादली ने कहा कि जिसको भी देखना कई बार देखना, हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो ये बार बार ये प्रश्न आता है तो ये बड़ा मजेदार हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि हर चीज के कई सारे पहलू होते हैं, आप जिस नजरिए देखते हैं जरूरी नहीं कि सभी उस नजरिए देखें। बाकी एक अच्छा लगता है कि हाँ, कि पुलिस के साथ अगर साहित्य मिक्स हो जाता है तो लोग जल्दी उत्साहित होते हैं और उनको भी अच्छा लगता है। जी सर, अगर हम इन दोनों की ही बात करती हूँ, शायरी या फिर अगर आपकी जॉब से रिलेटेड बात करती हूँ, तो इन दोनों में से पहले पनपा क्या सर, शायरी या फिर वर्दी का शौक? जरूरी तो पहले आर्थिक और उपार्जन है कि आपके पास लाइफ को सस्टेन करने के लिए पैसे होने चाहिए, तो एज ए कैरियर तो जॉब है मेरी और मेरा एक तरीके से जीविका का आधार है, तो फर्स्ट मेरी नौकरी है, मेरे प्रति जो समाज ने कर्तव्य दिए हैं मुझे पूरी करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, उसके बाद मेरे शौक आते हैं जिसमें साहित्य है, लेकिन पुलिस की जो नौकरी है, जो जॉब है, उसमें इतने ज्यादा जाविये हैं, कोण हैं, इतने एस्पेक्ट हैं कि आपको जिंदगी को देखने के लिए बहुत ज्यादा नजरिए मिल जाते हैं सौभाग्यवश। वही एक शायरी का बड़ा जरूरी चीज है कि जो आदमी बियॉन्ड द कर्टेन है वो देख पाता है, उनको अपने शब्दों में ढालने की कोशिश करता है। जी सर, अगर हम इस दौरान कोविड काल की बात करते हैं, कोरोना में आपकी तरफ से बेहतरीन काम किया गया, सराहनीय काम किया गया, उस वो दौर ऐसा था, उस वक्त में किस तरह से आप मैनेज करते थे काम को भी और परिवार को भी? सर शुक्र है खुदा का, पाक परवरदिगार का, उसने हमें सबको इस वबाई दौर से बहुत बाहर निकाला, बहुत अच्छे अच्छे साथ थे, हालांकि हमारा साथ छोड़ गए हमारे ना चाहने का। पुलिस के लिए नहीं बल्कि एक पूरी मानवता के लिए, हर शोबे के लिए एक ऐसी आपदा थी कि किसी के पास पहले से कोई SOP नहीं था इसके लिए। हमें पहले फेज में तो यही देखना था कि बेसिकली लोग इसको जो लॉकडाउन को जो एक कर्फ्यू था उसको एक लॉ एंड ऑर्डर वाले इशू के रूप में देख रहे थे, जबकि ये एक बीमारी से बचने का नहीं था। तो वो एक बहुत अच्छी तरीके से हमने मैनेज किया दिल्ली में, और दिल्ली को दिल्ली पुलिस का तमगा भी मिला, दिल्ली की पुलिस का बड़ा अच्छा लगा, जिसमें मीडिया की बड़ी सराहनीय भूमिका रही थी। बाकी सेकंड फेज बड़ा भरा हुआ था, उसमें दलित होते थे और हम फ्रंट वॉरियर के रूप में कार्यरत थे, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, समाज को बचाने के लिए, तो एक जिम्मेदारी थी समाज की। और खुदा का शुक्र है कि मैं खुद इससे इन्फेक्टेड हुआ था और आप लोगों की दुआओं से सबसे बाहर आया था,
और उसी बीच एक कविता भी मेरे शब्दों के उद्गार के रूप में निकली थी, काफी वो सीनियर्स ऑफिसर्स के और जनता के और आप लोग के काफी मशहूर हुआ था। एक बहुत बुरा दौर था जी। बिल्कुल सर, और बहुत बेहतरीन शायरी आपकी तरफ से की गई है और हमने सुनी भी है, थोड़ा हमारे दर्शकों को सुनाएंगे सर जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं? अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं याद करूं उसको। बहरहाल कि वो था कि इसमें कि निकलो ना बेनकाब जमाना खराब है, ये एक बड़ी मशहूर गजल थी जो पंकज उधास ने गाई थी, कि उसी के ऊपर ये बोल लिखे गए थे। मैं कोशिश करता हूँ, मैं निकालता हूँ अभी, मैं सुनाऊंगा मैं उनको अभी। वो कविता कुछ इस तरह से थी कि है वक्त इनकलाब, कोरोना से जंग है, और मुंह पर रखो नकाब, कोरोना से जंग है। कि वो हमें फेस पर मास्क लगाना होता था। है वक्त इनकलाब, कोरोना से जंग है, मुंह पर रखो नकाब, कोरोना से जंग है, और देंगे उसे जवाब, कोरोना से जंग है। मतलब हिम्मत नहीं हारनी थी, लेना है अब हिसाब, कोरोना से जंग है। और देखिए, लॉकडाउन का जो उद्देश्य था, जो मोटो था, जनता कर्फ्यू था, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि घर बैठिए जनाब, कोरोना से जंग है, मुखलिस हो या नवाब, कोरोना से जंग है, मुंह पर रखो नकाब, कोरोना से जंग है। ये इस टाइप की कविता थी मेरी। सोहेब सर, उस कोरोना काल की अगर मैं बात करूं, कोई ऐसी बात जो, कोई ऐसा मंजर जो आप कभी भुला ना पाए हों, जो आज भी आप याद करते हों, क्या वो शेयर कर सकते हैं हमसे, हमारे दर्शकों से, अगर आप करना चाहें तो? जरूर। वैसे अच्छी यादें नहीं है, लेकिन काफी लोमहर्षक सीन था जो सेकंड फेज था कोरोना का, जब ऑक्सीजन सिलेंडर वाला क्राइसिस आया था, उसके लिए हमें एक ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ता था ऑक्सीजन का। उस समय एक हृदय विदारक घटना ये थी कि 21 साल का बच्चा था, उसके फादर होंगे 52 ओल्ड थे, वो कोरोना से गुजर गए थे। तो उसको लेके हम नजदीकी शमशान घाट में गए थे, क्योंकि इन्फेक्टेड बॉडी के साथ जाना पड़ता था पूरी प्रिकॉशन के साथ। तो उस बच्चे के चेहरे पे मुझे अभी तक वो याद है कि वो पिता के जाने का गम नहीं था, दुख नहीं था, बल्कि उसको ये फिक्र थी कि जो शमशान घाट में लंबी लंबी लाइनें थी, किसी तरीके से उसको लकड़ी वाली पर्ची मिल जाए और समय रहते उसका संस्कार हो जाए उसके पिता का। तो ये बड़ा लोमहर्षक सीन था, उसमें काफी कुछ परेशान वाले लम्हे थे कि लोग बाग एक तरफ जो जाने वाले थे उसके साथ दुखों के साथ नहीं थे, बल्कि ये थे कि किस तरीके से उनको टाइमली मतलब अंत्येष्टि हो पाए। तो ये बड़ा मुझे याद आता है, अभी भी थ्रिल हो जाता हूँ जी। सोहेब सर, अगर हम उस दौर की बात करते हैं, क्योंकि जब हम कोरोना का नाम लेते हैं तो हर किसी के मन में डर पैदा हो जाता है कि वो समय दोबारा ना देखना पड़े। उस वक्त आप दिन रात फील्ड में रहते थे, बाहर जाते थे, आपकी बेटी भी है, परिवार है, आप जब उस वक्त घर लौटते थे अपनी ड्यूटी से, तो उनमें भी डर रहता होगा, क्योंकि उस वक्त समय ऐसा था कि जो परिवार के लोग थे वो लोगों को बाहर जाने से मना करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग, घर में एक दूसरे से कटे रहना, तो वो थोड़ा हमें बताइए सर। सही बात है, पहले तो ऐसा हुआ था कि करीब 15 दिन तक हम घर ही नहीं गए थे, हमने अपने आप को ही अपने पुलिस स्टेशन में स्टेशन किया था सभी प्रिकॉशन के साथ। लेकिन जैसे जैसे साथ में चलते गए, थोड़ा सा एक मानवीय स्वभाव है, डर खत्म होता है। लेकिन उसकी पूरी प्रिकॉशंस ये होती थी कि मैं अपने कपड़े जो मतलब छत वाला फ्लोर है वहां जाके उतार के पूरी तरीके से गर्म पानी से पूरा तरह सैनिटाइज करके नहा के फिर आते थे दूरी से। और उसी तरीके से बच्चों ने भी, जो फैमिली में है, बिटिया है, पत्नी जी हैं, उन्होंने भी यही दूरी मतलब मेंटेन करी थी, बहुत साथ निभाया था। अरे फिर शुक्र अदा करता हूँ मैं ऊपर वाले का कि हमें उस आपदा के दौर से बाहर निकाला। बिल्कुल। और सोहेब सर, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जो आपकी वाइफ है वो भी बेहतरीन शायर करती हैं, बेहतरीन शायरा हैं, ये जो शौक है शायरी का, वो आपको उनसे आया है या फिर उनसे आपको आया है, ये थोड़ा बताइए सर। वो ही शायरा है, बल्कि मैं तो ये है कि यूनिफॉर्म वाला शायर हूँ, इसलिए ज्यादा लोग मुझे ताज्जुब से देखते हैं। बाकी एक देवीय संयोग है, ऐसा नहीं है कि पहले से पता था एक दूसरे के शौक है, ये बाद में खुला। और बहुत अच्छा कहावत भी है कि अगर शौक बढ़ाओ और ऐब एक जैसे हो तो अच्छी रिलेशनशिप चलती। बहुत अच्छी शायरा है और हम साथ बैठ के हमारा टाइम अच्छा गुजरता है। कहीं जाना होता है तो एक ही राय से जाते हैं, ये नहीं होता कि मुझे यहाँ जाना है तो उनको वहां जाना, नहीं।
सर, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि एक वर्दी में, एक वर्दी वाला शायरी कर रहा है, जो आपके साथी हैं वो उसको किस तरह से देखते हैं? मेरे लिए दोनों ही तरफ वाली बात रहती है कि महकमे वाले कहते हैं कहां की सॉफ्ट फील्ड में शायरी वाली बात है, और जो शायर लोग हैं वो शायर नहीं मानते। एक बार का वाकया मैं बताता हूँ कि पहला मेरा एक मुशायरा था, बड़ा मंचीय मुशायरा था, जामे मिल्लिया इस्लामिया का मंच था। तो वहाँ अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राहत इंदौरी मरहूम साहब थे। तो मेरे पढ़ने के बाद उन्होंने जुमला आदतन उछाला था कि खुदा की कसम ऐसा लगता है कि जब कोई पुलिस वाला शायरी करके जाता है कि जैसे शैतान कुरान शरीफ पढ़ रहा हो। बड़ा अनईजी हुआ था, लेकिन वो दुआ के रूप में था। लेकिन बाद में दोनों ही फील्ड में अब मुझे सफलता पूर्वक कहा जाता है कि हाँ भाई शायर तो है। लेकिन शुरू में परेशानी हुई थी कि महकमे में तो फिट होता ही नहीं है कि भाई अदब से क्या पुलिस वाले का वास्ता है। लेकिन फिर मैं वही कहना चाहता हूँ आपके से कि पुलिस नौकरी में इतने एंगल्स हैं मानव जीवन को देखने के लिए, बल्कि हर चीज को देखने के लिए, कि जैसे अभी आप कहीं किसी नाले से खुदा ना करे कोई डेड बॉडी खींच रहे हैं, अगले ही पल आप नई दिल्ली के किसी 5-स्टार होटल में आप सिक्योरिटी अलर्ट पर हैं, कभी यहाँ है। तो इतने एंगल है उसको। फिर यह है कि कोई मेरे जैसा, मैं अपने आप को संवेदनशील मानता हूँ, उसको देखता है, वो खुदा के शुक्र से शब्दों के रूप में आप लोगों तक पहुंचता है। शुक्रिया। लेकिन सर, अगर इस कला की बात करें तो आपके फील्ड में इस कला को किस तरह से देखा जाता है? नहीं, मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिलता है। मेरे सीनियर्स मेरी बहुत अच्छी सराहना करते हैं, उत्साहित करते हैं, और जो कलीग हैं मेरे, जो साथी हैं या जूनियर हैं, उनको बड़ा गर्व होता है, पेश करते बताते हैं देखिए हमारे यहाँ भी शायर है। तो ये भी वाला जो है वो मेरे लिए एक बहुत बढ़िया। लेकिन सर, कभी ऐसा भी होता है क्या कि आप शायरी सुना रहे हैं, आपके जो साथी हैं वो आपके साथ बैठे हैं, जूनियर्स बैठे हैं, उनको अगर आपकी शायरी नहीं पसंद आई तो, क्योंकि आप इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, तो डर के मारे अगर उन्हें पसंद भी ना आए तो भी उनको ये कहना पड़ता है कि अरे वाह वाह, बहुत अच्छी शायरी आप कर रहे हैं या सुना रहे हैं? कभी ऐसा कुछ हुआ है, कुछ इंसिडेंट ऐसा जो बता पाया? नहीं, ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन चेहरे के तासुर से पता चल जाता है कि अपील में क्या है। हालांकि देखिएगा, क्लास वाली बात है, अगर मैं कहीं पब्लिक के बीच में सुना रहा हूँ तो फिर पुलिस तो पुलिस का ही साथ देगी। तो तारीफ ही करते हैं, लेकिन पता चल जाता है कि शेर पहुंचा नहीं पहुंचा, और बात दोनों तरफ की ही बात है, लेकिन अच्छा लगता है। और सर, अगर बात की जाए, क्योंकि बहुत से इवेंट्स में, बहुत से कार्यक्रमों में आप जाते हैं, वहां पर जी कभी ऐसा होता होगा जब आप और आपकी वाइफ एक साथ होती होंगी, स्टेज पर होते होंगे, आप दोनों शायरी कर रहे होते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपसे ज्यादा तारीफ आपकी वाइफ को मिलती है, तो तब क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या लगता है सर? ऐसा अक्सर होता है, लेकिन हमारा बहुत बढ़िया स्वस्थ रिलेशनशिप है, मुझे अच्छा लगता है। तारीफ उनकी ज्यादा हो या मेरी ज्यादा हो, आना तो तारीफ हमारे दोनों के उसमें है। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, हमदर्द विश्वविद्यालय में एक मुशायरा था, अच्छा, बड़े बड़े शायर थे, इंटरनेशनल सभी थे, तो जाहिर है कि जब बेगम है तो साथ ही बैठेंगी। अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था कि सामने मेरा एक जो पहले दोस्त रहे थे 20 साल पहले, वो सामने बैठे थे। तो उन्होंने बीच के कॉमन फ्रेंड से फोन करके स्पेशली शिकायत की कि भाई सोहेब तो ठीक नहीं है, वो बड़ा एक लेडी शायरा के साथ बहुत घनिष्ठता से बैठे हुए थे। तो जब उन्होंने उनको असली बताई तो मेरा करेक्टर फिर सर्टिफाइड हुआ। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि साथ में भाई मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट साथ चलता है, तो हमें तो जाना दोनों को ही अच्छा लगता है, लोग बुलाते भी हैं इसीलिए। सर, मैं एक इंसिडेंट के बारे में और जानना चाहूंगी। एक इंसिडेंट था कि कुछ आरोपी थे जिनको आपने पकड़ा था, अरेस्ट किया था, और जब वो जमानत पर छूटे तो आपकी भाषा और आदत के वो इतने कायल हो गए, आपसे इतने जुड़ गए कि वो अपने घर ना जाकर वापस लौटकर आपसे मिलने आए सबसे पहले। वो इंसिडेंट सरा हमें बताइए सर। आपने शायद बता ही दिया, लेकिन हाँ ये है कि बड़ा अच्छा था कि अरेस्ट किया था, तो उनको फिर जुडिशियल कस्टडी में गए, तो करीब 2 महीने नहीं, 15-20 दिन बाद उनकी जमानत हुई, तो वो मेरे पास 2-3 दिन रहे थे रिमांड के आसपास। तो जो साहित्य वाली अभिरुचि है वो उनमें भी मौजूद थी, तो काफी अच्छी तरह बात हुई।
तो उन्होंने कहा था कि सर मैं आपसे मिलूंगा, और इत्तफाक की बात यह है कि जेल से रिलीज होने के बाद जमानत पे वो अपने घर ना जाके वाकई वो मेरे पास आए थे, फिर वहां हमने 2 घंटे आपस में बिताए। तो एक वो अलग चीज है कि भाई मुलजिम है तो अपने अपने रोल में है, पुलिस अपने रोल में है, लेकिन एक सामाजिक संबंध जो साहित्य का है या वो है, वो उसके साथ बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अप्रिशिएट लगा, खुद को खुश हुआ, उनको भी खुश हुए, वो दोनों अच्छी बात रही। और सर अगर मैं ये पूछूं कि अगर आप पुलिस वाले नहीं होते तो आप क्या होते, अगर आपको कोई फील्ड चुनना होता और कोई अगर आपको ये बोले कि आपको दोबारा से चुनना पड़े तो क्या होंगे सोहेब फारूकी, क्या होंगे? देखिए सब ईश्वर के आदेश के ऊपर है कि ईश्वर की क्या मर्जी है, कौन कहाँ जाता है। चुनने की आजादी वाली बात तो फिर यही होती है कि मुझे तो अब यही अपनी जो नौकरी है सबसे बढ़िया है, आप इसमें समाज के लगभग सभी वर्गों के साथ आपका सामंजस्य होता है, सभी के साथ डीलिंग होती है। हाँ बस ये है कि पुलिस वाला सहनशील अगर हो तो बहुत अच्छी नौकरी है और इसमें बहुत अच्छा मजा आता है। हालांकि इसमें सबसे बड़ा सहयोग परिवार का होता है, अगर परिवार आपके साथ है तो आप अपना बेस्ट देंगे इस नौकरी के लिए, क्योंकि हमारा पारिवारिक जीवन लगभग ही कटौती करनी पड़ती है, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, रिश्तेदारों के साथ ये होती है, तो हम थोड़ा सा लगता भी है कि जनता अप्रिशिएट करे। बाकी तो मेरा तो यही है कि सपना की चांस मिले तो मैं फिर से फिर इसी यूनिफॉर्म जो कलर है उसी में रहूं और अच्छा लगता है। बाकी तो आदमी है, जहां भी रहे जो उसकी अभिरुचि है या जो उसके गुण उसके जन्मजात हैं वो हर जगह वही रिफ्लेक्ट होंगे, फील्ड कोई भी हो। अगर मैं यहाँ ना होता तो आपकी जगह होता तो वहां भी बहुत अच्छा मैं क्या कहना चाहिए मीडिया वाला पर्सन होता। सर आप परिवार की बात कर रहे हैं, एक गांव से आया हुआ व्यक्ति, इतना इतना ज्यादा परिश्रम आपकी तरफ से किया गया, कितनी चुनौतियां भरा रहा ये सफर, किस तरह से आप बता पाएंगे सर? देखिए हमारे वक्त की बात है जब जॉब सिक्योरिटी और एजुकेशन सिक्योरिटी दोनों ही गवर्नमेंट सेक्टर में थी। जैसे कि सीन आजकल के बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म हर जगह एवेन्यू है आपके रोजगार की भी उसके लिए, तो एक कॉमन से आदमी के लिए जो ग्रामीण और कस्बाई माहौल से परिवेश से निकला है उसके लिए दिल्ली, जो हमेशा कहते हैं कि दिल्ली बहुत दूर और बहुत दूर का सपना था, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र है परिश्रम। आप लगातार मेहनत करें, बड़ों की दुआएं आपके काम आगी काम आएंगी, और धीरे धीरे यही हुआ। हाँ लेकिन ये है कि पुलिस की जॉब है तो यहाँ हर तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों का ही सामंजस्य है, वही फिट जो होता है वो आए। आप ये लिख लीजिए कि जो सिविलियन नौकरी है वहां शारीरिक क्षमता का टेस्ट नहीं होता, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो वहां हम दोनों तरीके से ही आएंगे कि शारीरिक रूप से भी योग्य हैं और मानसिक रूप से भी टेस्ट हो। सोहेब सर आपने बहुत जगह पर आपने आपकी पोस्टिंग हुई है, आपने काम किया है, अगर उनमें से किसी एक जगह की हम बात करें उसको लेकर आप क्या कहेंगे सबसे ज्यादा अगर हम पोस्टिंग की और मेहनत की बात करते हैं तो? देखिए मेरा सौभाग्य है मुझे देश की राजधानी में पुलिस विभाग में एक मीडियम लेवल पे मीडियम कैडर पर, मतलब जो सब इंस्पेक्टर है जिसको हमारा आम भाषा में थानेदार वाला कैडर मिलता है उसमें काम करने का मौका मिला। आप हर जगह ही चैलेंज ही चैलेंज, जैसे मेरा डी कोर्स या शुरुआत का थाना मंगोलपुरी था, एक रिसेटलमेंट कॉलोनी, अगला रोहिणी आया, एक अर्बनाइज कॉलोनी डेवलप हो रही थी उस समय, एक एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी जहां मेरा एक डिवीजन होता था एक सब इंस्पेक्टर का, वहां आप 3-3 थाने हो गए। नई दिल्ली मिला मुझे, जामिया मिला, जामिया बड़ा चैलेंजिंग रोल मिला, मैं वहां एज ए एडिशनल एसएचओ के रूप में पोस्टेड था कि एक तरफ सबसे बड़ा घेटोज है वहां एक कम्युनिटी पार्टी का, एक तरफ लेकिन जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है जामिया विश्वविद्यालय जिसको जामिया यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, हालांकि जामिया का मतलब ही यूनिवर्सिटी होता है, जामिया मिल्ला इस्लामिया, तो वहां वर्ल्ड क्लास का जो एक पढ़ाई लिखाई का माहौल था वो सब मिला, और एक कम्युनिटी पुलिसिंग थी, भीड़ वाली पुलिसिंग थी, वो सब तरह के चैलेंजेस थे। तो मुझे मेरा जो यादगार के तौर पर है वो जामिया के मेरे 2.25 साल है। बाकी नई दिल्ली में मैंने एसएचओ के रूप में काम किया है, तो नई दिल्ली ऐसा है जैसे हिंदुस्तान में दिल्ली है तो दिल्ली में नई दिल्ली है जो कैपिटल सिटी है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस का काम, क्योंकि उसमें ये नहीं पता चलता कि एक मिनट में आपको प्रॉम्प्टली क्या एक्शन लेना क्या करना। सर आप दिल्ली पुलिस लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भी लेकर आए, आप
कैसे आपके जहन में ये आइडिया आया, ये कॉन्सेप्ट आया और किस तरह से इसको फायदा अब आगे पहुंच रहा है? मैं यहाँ थोड़ा सा इसको करेक्ट करना चाहता हूँ। दिल्ली पुलिस का आइडिया जो था, जो हमारे अजय चौधरी साहब हैं इस टाइम स्पेशल सीपी साहब हैं, ये उनका आइडिया था जब वो साउथ ईस्ट में एज ए पुलिस चीफ थे डिस्ट्रिक्ट में। और तो जामिया जैसे एरिया में बड़ा कंजेस्टेड माहौल है, वहाँ पढ़ने लिखने के लिए आम बच्चों को एक अलग से लाइब्रेरी के रूप में हमने थाने में जगह अलॉट करी थी। मेरी पोस्टिंग के दौरान मैंने उसको कम्युनिटी पुलिसिंग में जो मुझे काम दिया गया था स्टाफ डिपार्टमेंट की तरफ से, वो मैंने प्रोजेक्ट किया, बड़ा अच्छा कामयाब हुआ। और बड़े कामयाबी से जो दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी के निदेशक नदीम अख्तर साहब हैं और मिजोरम के जो इस टाइम हमारे डीजी साहब हैं श्री देवेश श्रीवास्तव आईपीएस साहब, उनका बहुत ही ज्यादा अच्छा मार्गदर्शन वाला रोल रहा है। और हम लगभग स्थानों में दिल्ली के साथ 8 या 10 में हम ये चला पा रहे हैं। सर, हमने अक्सर देखा है कि पुलिस से लोग खौफ खाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग डरते हैं पुलिस के पास आने से और उनको अपनी परेशानी बताने से। तो अब किस तरह से आप बता पाएंगे कि वो जो रवैया होता है पुलिस का कि लोग डरे ना और लोग पुलिस के पास आए और अपनी बात कहें और पुलिस उन्हीं के लिए तैनात की गई है, तो क्योंकि बहुत से हम कई केसेस में देखा है लोग डर जाते हैं ये सोच के कि पुलिस हमारा साथ देगी या नहीं देगी। देखिए, आपका सवाल में ही आपका जवाब निहित है। आपने कई केसेस के कहा है और शुक्र है कि आपने सभी केसेस में नहीं कहा। तो जैसे उंगलियां पांचों बराबर नहीं होती, हर तरीके का पुलिसमैन होता है, वो अपने अपने व्यक्तिगत रूप से है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग जो हमें काम दिया गया वो करें। और वाकई पुलिस जनता के लिए है, लेकिन एक जो डिस्ट्रस्ट है उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस में मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता, हर आदमी की सुनवाई होती है। हाँ, उसके मनचाहा अनुरूप नहीं मिलता है, उसकी कानूनी बाध्यताएं हैं कि पुलिस का रोल हर चीज के लिए नहीं है। अब जैसे ये है, कहीं सांप निकल आए तो वहां पुलिस नहीं कर पाएगी, या किसी के आपस में पैसों का विवाद है, रिकवरी का विवाद है, उधार का है, तो पुलिस से उम्मीद ये होती है कि पैसे दिलवा दे, वो पुलिस का फील्ड नहीं है। पुलिस का फील्ड तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का ये है। फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, हम उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। सर, आप शायरी करते हैं, आपकी वाइफ भी शायरा हैं, आपकी एक बेटी है, क्या आप उन्हें भी वर्दी में ही देखना चाहेंगे या फिर किसी और फील्ड में? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को मेरे हिसाब से एज ए पेरेंट प्लेटफॉर्म देना चाहिए, जो भी आपके पास उपलब्ध संसाधन है आपको दिए हैं ऊपर वाले ने या समाज ने दिए, बच्चों को उड़ने दो, अपने पर खोलेगा अपने उड़ जाएगा, किसी पे कोई विचार नहीं लादना कि जो भाई मैं जिस फील्ड में नाकामयाब हुआ मैं चाहूं कि मेरे बच्चे वहीं कामयाब हो। नहीं, हाँ, अगर पुलिस यूनिफॉर्म में आना चाहती है तो स्वागत है, बढ़िया है, अच्छा है। हाँ, ये कोशिश करूंगा कि मैं एक उच्च संवर्ग में जाए, मतलब आईपीएस में जाए। और सर, अगर हम आपकी बात करें कि आप पहले नॉर्मल थानों में थे और आप इकोनॉमिक विंग्स में अब काम कर रहे हैं, डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं दोनों के बीच, तो क्या डिफरेंस है सर? हाँ, ये है, अच्छा सवाल किया आपने, शुक्रिया। आर्थिक अपराध शाखा, इसमें आम थानों में बेसिकली जो मेन फोकस होता है हमारा होता है लॉ एंड ऑर्डर वाला, कि आप इलाके की जो शांति व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसे बनाए रखें। और ये एक इलीट यूनिट है, स्पेशल है, विशेष विभाग है। इसमें जो बड़े केसेस हैं चीटिंग, फोर्जरी, इस टाइप के धोखाधड़ी के, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो हर एंगल इसमें एक्सप्लोर करते हैं, हमारे पास समय होता है, क्वालिटी टाइम होता है, लॉ एंड ऑर्डर हमारी ड्यूटी नहीं लगती है, तो हम इसका पूरा बहुत अच्छी तरीके से इसके तफ्तीश करते हैं, चार्जशीट करते हैं, पकड़ते हैं बड़े बड़े अपराधियों। सर, अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं और जिस तरह से क्राइम बढ़ रहे हैं, देखिए पुलिस लोगों के लिए तैनात की जाती है, आम लोगों के लिए बनी है, और जिस तरह से लगातार क्राइम को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए जुर्म तो होंगे ही, क्राइम हो ही रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे कि ये क्राइम कम हो सके? और खास करके युवाओं की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आज के समय में युवा बहुत ज़्यादा है जो क्राइम की ओर बढ़ रहे हैं, उनको कैसे हम समझा पा सकते हैं? इस पे मैं टिप्पणी अपने सीसीएस की वजह से नहीं कर पाऊंगा, हालांकि एक मुहावरा वही है
कि चोर और पुलिस में शब्द जो है पहले चोर का है, तो पुलिस तो उसके बाद ही है। बाकी ये जो विधायिका का काम है, अपने न्यायपालिका का जो सीनियर अफसरान है उनको कोशिश जो भी है उनके हिसाब से वो करनी चाहिए। और ये तो थी सर थोड़ा फील्ड से जुड़ी बातें, मैं वापस थोड़ा शायरी पे आना चाहूंगी सर। अगर हम शायरी की बात करते हैं तो क्या जिस तरह से आप लिख रहे हैं कि आगे क्या किताब लिखने का भी कुछ है क्या कि आप आगे चलकर किताब भी लिख सकते हैं, इस कोई प्लानिंग? बस आप दुआ कीजिए, आपकी शुभकामनाएं साथ हैं। मेरा तो मेरे ख्याल में आ जाना चाहिए था संकलन, एक बहुत जल्दी उसमें है, क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग में है, और इनका पत्नी जी का भी आने वाला है, तो दोनों का विमोचन होगा और आपको हम बुलाएंगे जरूर इसमें। और जाते जाते सर मैं आपसे बस यही बोलना चाहूंगी कि जाते जाते आप एक शायरी हमारे दर्शकों को न्यूज वर्ल्ड इंडिया के माध्यम से आप सुना दें। ये देखिएगा, दिल्ली में लगभग सारे लोग माइग्रेंट हैं मेरे जैसे जी, जो बाहर से आके यहाँ बसे हुए हैं। तो अब ये 4-5 साल पहले अचानक गांव जाना हुआ था, तो वहाँ लोग ज्यादातर लोग बाहर सेटल्ड हो गए हैं, घर अकेला है। तो ये 4-5 शेर उसी फॉर्मेट में गजल में हुए थे, अर्ज किया है, सुनिएगा। कि गांव आकर जो अपना घर देखा, गांव आकर जो अपना घर देखा, दिल को आजुर्दा किस कदर देखा। घर था खामोश, ऊंघती गलियां, एक सन्नाटा सर बसर देखा। घर था खामोश, ऊंघती गलियां, एक सन्नाटा सर बसर देखा। आशियां था जो हम परिंदों का, ये मैं उधर, मेरा संकेत है कि वहां माता जी अकेली है। कि घर था खामोश, ऊंघती गलियां, एक सन्नाटा सर बसर देखा। आशियां था जो हम परिंदों का, तनहा तनहा सा वो शजर देखा। और किसके शाने पे रख के सर होते, किसके शाने पे रख के सर होते, कोई रिश्ता न मौत भर देखा। और खेत खलियान साथ रोने लगे, रोता जो हमको इस कदर देखा। ऐशो इशरत की याद आई बहुत, ऐशो इशरत की याद आई बहुत, हमने बचपन में झांक कर देखा। और ये मक्ता देखिएगा कि याद पापा की खूबाई सुहेब, मेरे पिताजी गुजर चुके हैं, याद पापा की खूबाई सुहेब, हमने बच्चों को डांट कर देखा, हमने बच्चों को डांट कर देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत खूब सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जी बातचीत के लिए और अपने अनुभव हमारे साथ और दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जय हिंद SHO और इसी के साथ ही शायरा भी करते हैं। आपको बता दें कि सोहेब फारूकी जी जिन्होंने जो हमारे साथ आज जुड़े और अपने बेहतरीन पल और जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, जिस तरह से वो दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही साथ वो शायरी भी करते हैं, किस तरह से वो इन दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करते हैं, अपने फील्ड में भी, अपने प्रोफेशन में भी वो समय दे रहे हैं और साथ ही साथ अपने परिवार को भी किस तरह से चला रहे हैं, तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने आज हमसे बातचीत की। इसी के साथ ही मेरे साथ मेरा आसमान में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप बन रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।